जितनी भी मुश्किलें आए हर एक मुश्किलों से लड़ते हुए आप आगे बढ़े, तो निश्चित ही जो है आपका जो उद्देश्य है, जो आपका मंजिल है, वहां तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे में एक बेहतरीन गोल जर्सी नंबर 14 यहां पर सुखलाल, और ये खिलाड़ी खास करके ये डिफेंस जोन के हैं और समझ सकते हैं यहां पर भी घड़ी के बाद खानगी नुकीना गाती यो अनवा सेकेंड सेमीफाइनल बेन कैम तो पूरा टूर्नामेंट दिया मजा तो बस सेमीफाइनल के एक तो ये सबसे घातक टूर्नामेंट आज का ये सेकंड सेमीफाइनल कुछ ही बाद हम सबके बीच में शुरू होने वाला है। आप सब दर्शक इसी मैच पर आप बने रहे ताकि हम फर्स्ट सेमी में जिस तरीके से वहाँ एन वाई सी दलदली और एफ सी शहरी के बीच में हुआ था उन दोनों के बीच में यहाँ एफ सी शहरी टीम ने फाइनल के लिए जगह को सुरक्षित करके रखा है। और अब यहाँ एफ सी राजमहल वर्सेस गोकुलपुर भागलपुर बिहार के बीच में ये शानदार मुकाबला आज का ये सेकंड सेमीफाइनल। ये कुछ ही समय के बाद ये खेल प्रारंभ हो जाएंगे। इस बार राजमहल की टीम 20 मैदान से वहां की जमाया है लगभग अन दिशा पर बोल जाता हुआ, और ये शुरुआती क्षण से ही ये एंड स्पॉन्सर छोड़ा गया है। मैं बता दूं जो इसी बड़ा दरिया चौक के तरफ से एक मास्टर है बाल किशोर मिश्रा के तरफ से, जो भी खिलाड़ी कॉर्नर को डायरेक्ट किक करके गोल कर देंगे उनको 501 रुपया से सम्मानित किया जाएगा। धीरे के आसपास वहां राजमहल जीतन कर ले, लेकिन जीतन का इस समय ये अन दिशा पर सूट जमाता हुआ, लेकिन मौका था वहां जीतन के लिए, लेकिन इस समय एक गोलकी का मौका यहाँ गोकुलपुर भागलपुर टीम को मिला है। यहाँ पर दर्शकों का जहां तक ये आस है कि इस मैच में कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमीफाइनल की तरह यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गोल के माध्यम से इस मैच को जीते और फाइनल के लिए अपना जगह को सुनिश्चित करें, लेकिन दोनों ही टीम अभी तक जो है कहते हैं किस्मत उसी की साथ देती है जो कि अपने किस्मत को बदलने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और संघर्षशील इंसान होते हैं, वही अपना किस्मत को जो है लिखने में सक्षम होते हैं कि परिश्रम करो परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, जो कठिन परिश्रम करते हैं उनका परिणाम जो होता है वैसा ही स्वीट होता है वैसे ही मीठा होता है। परिश्रम दोनों ही टीम कर रहे हैं अभी तक इस मैच में, लेकिन परिणाम किसके पक्ष में होगा ये तो समय ही तय करेगी। का शॉट लेते हुए वहां पर बैक पास करने के बाद वहां पर चंद्रिका मालतो ने गेंद को आगे खेलने का प्रयास किया था, लेकिन निश्चित रूप से वहां पर राजकुमार और एक बार 10 नंबर पहने हुए एक बेहतर ड्रिबल के साथ गेंद को आगे ले जाते हुए, लेकिन नो मैन्स के क्षेत्र में गेंद और फ्री फ्री वहां पर सीधे राजेश के ग्लव्स में जाएगी। गाने बीच भागलपुर बिहार टीम, लेकिन गेंद थोड़ा सा पोस्ट के ऊपर से निकलते भी काफी ज्यादा नाखुश है ये खिलाड़ी भागलपुर बिहार। आ गया है कि नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव, नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव एट योर डिस्टेंट प्लेस। आप जो तय किए हैं, जो सोचे हैं कि यहाँ पर फाइनल तक उस जगह को सुनिश्चित करने का, उस जगह तक आप जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक चाहे आपके रास्ते में जितने भी कठिनाई आए, जितनी भी मुश्किलें आए, हर एक मुश्किलों से लड़ते हुए आप आगे बढ़े तो निश्चित ही जो है आपका जो उद्देश्य है, जो आपका मंजिल है, वहां तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे में एक बेहतरीन गोल यहाँ पर पहला गोल आया है राजमहल टीम से, और मैं देखना चाहूंगा जर्सी नंबर को, और जहां तक अंदाजा लग रहा है ये जर्सी नंबर होंगे शायद 14, अपना जर्सी नंबर दिखाएंगे, जर्सी नंबर 14 यहां पर सुखलाल, और ये खिलाड़ी खास करके ये डिफेंस जोन के हैं और समझ सकते हैं यहां पर अटैकर टीम के रूप में जाकर के यहां पर स्ट्राइकर जोन से इतना बेहतर वहां पर पोजीशन बना करके गोल लगा सुखलाल, और इनका जो पुरस्कार होता है 500 इसके बाद 251 यानी कि टोटल इनका पुरस्कार 500 और 200 अगर को इसको ऐड करते हैं तो 751 रुपया का इनका नगद पुरस्कार होता है, और साथ ही साथ यहां पर 101 रुपया का और यहां पर कमिटियों का होता है पुरस्कार, तो इसका टोटल पुरस्कार हो जाता है पहला गोल पर टोटल 851 रुपया का। बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर सुखलाल जी, और इसीलिए तो कहते हैं कि अपने नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखना, दुनिया के भीड़ में अपनी पहचान बनाए रखना, अच्छे नहीं लगते हो जब रहते हो उदास, अपने होठों पे सदा वही मुस्कान बनाए रखना। तो यहाँ पर गोल करके ये तो खुशी तो ऑलरेडी खुशी है ही है, लेकिन अपने टीम को जिस प्रकार से बढ़ावा दिए हैं
कहीं ना कहीं फाइनल के लिए एक अच्छा प्रबल दावेदारी पेश करते हुए सुखलाल, और यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ जो इनके लिए ऑफर आया है, पुरस्कार आया है, वो अपने नाम पर करने के बाद इनका जो है एक अलग जो है इनका जो दिल में जो फीलिंग है वो जगता हुआ, और फर्स्ट हाफ का मैच यहाँ पर समाप्त होता हुआ। प्रबल है उसको बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर देखना होगा अगला गोल जो भी करेंगे उनको 251 रुपये से सम्मानित किया जाना है हमारे रिटायर्ड दरोगा सर सोना बेस्ता जी के द्वारा। और इसी बीच यहाँ पर गेंद रिस्टार्ट हो चुकी है सेकेंड हाफ का, और निश्चित रूप से सेकेंड हाफ के मैच में ये चाहेंगे कि हर हाल में मैच को वापसी किया जाए। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, दुनिया में लोगों को होती तो है तकलीफें मगर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक ठोकर खाने के बाद अपने आप को संतुलन में लाने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से ये गोकुलपुर भागलपुर बिहार की टीम। और एक अच्छा शॉट, सुंदर चेस्ट आउट वहां पर राजकुमार जैसे खिलाड़ी, एक अच्छा पास है वहां पर लेफ्ट साइड के जो फुल बैक के पोजीशन से खेलते हैं चंद्रिका मालतो ने यहां पर गेंद को खेल दिया है जीतन के लिए, लेकिन जीतन मुर्मू जब तक गेंद को कनेक्ट करते उससे पहले डिफेंसिव जोन के द्वारा सुंदर वापसी के लगभग मुचल समय गोलते तयम गया उका नोडेकोन गोकुलपुर टीम मुचल समय गोल अचू ना मेनखान नित दबी सेकेंड हाफ का पूरा पूरी समय बना गया गोकुलपुर टीम थे रॉ मैच रे वापसी हिजू लगी नोडेकोन राजमहल टीम आरबी तो नोडेकोन बिपिन सोरेन उका दो क्वार्टर राउंड ना मैच रे बिपिन बबार गुटे एक गोल लिदा और होलाबा पहिल राउंड रे मीटे सुंदर क्लियरेंस लगभग हाफ वे लाइन लगभग रे बोलता है कडा नोडेकोन अच्छा वापसी। और तीनों दो सुर संगीन खन बुन जरवा उकान जतो गो बाबा भैया मिश्रा को आपे हो आयमा एमा सरहाव ले चाल पिया एंते होला अपेक्षा तेहीन दो अड़ी खो जस्ती खुन जस्ती जनसंख्या दर उन्हें पे जरवा उकान सांगी कौन सांगी जनसंख्या रहते ही नुड़े सेटर कते नुवा टूडा में ना उका समापन दिन कान मुझे दिन कान फाइनल दिन कान जो तो कुते नुड़े नियल संगी कते नुवा टूर्नामेंट सफल बनाओ लगी उका अपना अपना योगदान बुने में कान जो तो कुगी आपे आर्मी धाम नुआ राइजिंग स्टार फुटबॉल क्लब बड़ा दरिया चक मेहरमा गोड्डा से खोन अपे अंतर खंदरिंग मोने खोन ढपुक मोने खोन आई मैं गुण मनाओ आर मनोज जोहार ले चल पिया आर सासु के ते सरहाओ होले सरहाओ पिया एंते आप या दामना समय तिही जेम कते तिही नवा फाइनल काज करम रपे सेटर कना ये बीच नोडे खोन बिपिन सोरेन नो नंबर रे अच्छा क्रॉस उन्हें खोन छैला सोरेन लगी छैला वा क्रॉस जुआ उन्हें मेन खान निश्चित रूप से उन्हें खोन ऑफसाइड नहीं सारा सहायक रेफरी ए आर टूर है मोतीलाल सर द्वारा। भागलपुर बिहार का अगर हम सफरनामा को देखें तो फर्स्ट हाफ के मैच में फर्स्ट राउंड के मैच में यहां बढ़िया टोली को पेनल्टी शॉट आउट से हराया था, और क्वार्टर फाइनल मैच में यहां एफसी चांदनी चौक को यहां हराया था, और सेमीफाइनल में अभी कहीं ना कहीं यहां पर इनका आपसी फेसअप जो हो रहा है एफसी राजमहल के साथ। यहां पर ढूंढना होगा और यहां पर देखना होगा जब यहां पर गोकुलपुर भागलपुर बिहार की टीम अपना खामियां ढूंढ करके उसको सुधारेंगे तो निश्चित ही यहां पर मैच को वापसी करने में ये सक्षम हो सकते हैं। और यहां पर अनिल के द्वारा थोड़ा सा यहां पर देखा गया लेट चैलेंज करने का प्रयास, और इन्हें को जो है बुकिंग भी किया गया है इस मैच में। और यहाँ पर मेंटेनेंस ग्रुप के जो लड़के हैं वहां पर ग्राउंड पर आते हुए यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स के साथ, और यहाँ राजकुमार जैसे अनुभवी खिलाड़ी को थोड़ा सा चोटिल करते हुए और थोड़ा सा इंजर्ड हुए हैं, और कुछ समय डिले जरूर हो रहा है लेकिन इसका भरपाई जो है यह इंजरी टाइम के माध्यम से जरूर होगी। जय रिटर्निंग गोल लगी आपे 501 जगह ना नगद पुरस्कार नोडे शैलेंद्र बेसरा द्वारा ओके। तो झारखंड पुलिस ने कार्यरत बनाए शैलेंद्र दा नोई से कौन 501 जगह ना नगद पुरस्कार रिटर्निंग गोल लगी गोकुलपुर भागलपुर बिहार के लिए। और देखना होगा गोकुलपुर की टीम क्या इस मैच को वापसी करके अपने मैच को लेबल करेंगे, साथ ही साथ यहां पर 501 रुपया का जो नगद पुरस्कार है जो झारखंड राजमहल क्षेत्र से खेल रहा है मौका होगा इस बार फिलहाल राजमहल के लिए, लेकिन अब तक ये कोई सुनवाई नहीं, मौका होगा ये दूसरा गोल आने के लिए शायद
আর বই বইতে রোডে বুন জেলদা ধীরে ধীরে ওডে রাজমহল টিম রে খেলে রে কোড়া নুডে তুসার গোলে দাগাও কিনা নুডে কই পরেশানি বা নোয়া কান গ্যা খেল রে মজা কিনা নুডে বেহতর ওডে পারফরম্যান্স কো তুলিদা আউকা রাজমহল সের খনে জেলে খা নুডে উকা তালমেল তাহে কান্দকু थोड़ा गन बाकू बिगड़ा लेता मेन खाती ना आराम मेन क्या तुम तो पूरा कोई नुड़े हानी बांग है आपको आपका राजमहल टीम रेड खेले डे कुड़ा कोई जोरा सोरा तो बांग बल की तीन आराम नुड़े गोल हुई ना बस में जेल के दा अच्छा पास निकालते हुए प्ले उनका इशारा राजकुमार वहां पर लेकिन एन मौके पर यहां पर राजेश किसको ने गेंद को निकाला और 2-0 से लीड करने के बाद कहीं ना कहीं राजमहल टीम का जो मनोबल है वो काफी ज्यादा ऊंचा है। ना फुल टाइम विजिल सड़ी ना मैच रेफरी मार्कुसा और नवा मैच तो बार गोल से जीता हुआ थे कहीं ना कहीं नोटे कौन नोटे एफसी राजमहल टीम फाइनल रे गति लगी जगह सुनिश्चित के तैयार।